बैठो। अच्छा लगा आपको हमारा घर? बहुत बढ़िया है। मल्टी सिटी टूर कह सकते हैं आप इसको। वी हैव अ हॉस्पिटल आल्सो, हार्ट अटैक के साथ बवासीर का इलाज फ्री किया जाता है। गोल्फ इज अ बैकड्रॉप, एक ह्यूमन ड्रामा है, बड़ी एंटरटेनिंग फिल्म है, मजेदार फिल्म है। प्रोमो से कुछ आइडिया तो आ गया होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मजेदार लग रहा है। मेरा रोल बहुत अच्छा है और मैं थ्रू आउट हूँ फिल्म में नवाज के साथ। क्या बात है। एक्चुअली ये गेम बेसिकली देखा जाए तो बाजी है तो कंचे ही, हमारा बजट नहीं था, हमने ऐसे खेल लिया। अंग्रेजों के पास बजट था, उन्होंने ऐसे खेल लिया, बात फर्क कोई नहीं है। एक बार मैंने भी कोशिश की थी, मुझे कहना खेलो, मैं लालू के 15 सेकंड लगा के जब मारा, घास उखड़ गया, बॉल वही थी वही। बट सारे जो दूसरे स्पोर्ट्स जो खेलते हैं, लॉट ऑफ क्रिकेटर्स रिटायर होने के बाद दे टेक ऑन टू गोल्फ। रिकी पोंटिंग, कपिल देव जी हैं, अजय जडेजा, बहुत। वो तो पारी, जब आप क्रिकेट खेलते रहते हो तो पूरी दुनिया घूमते हो, फिर सडनली आप घर जब आ जाते हो रिटायरमेंट के बाद, सारा दिन बीवी के पास बैठा नहीं जाता। तो आदमी गोल्फ में इंटरेस्ट हो ना हो, आदमी वैसे छड़ी ले लेता है, क्योंकि इतनी बड़ी ग्राउंड है, कोई तंग करने आएगा नहीं, मारो ढूंढते रहो सारा दिन। मुझे अरबाज भाई से, सोहेल भाई से बिल्कुल भाई जैसे हैं। सलमान भाई से मुझे डर ही लगता रहता, पता नहीं क्यों है, हालांकि वो बड़े प्यारे इंसान है, पर ऐसे लगता रहता है उनका एटीट्यूड देख के, ऐसा लगता रहता है कि पता नहीं मुक्का ना मार दे कहीं। मैं कभी उनके साथ खुलता ही नहीं इतना। लोग कहते जब सलमान भाई आते तो तुम फंडिंग थोड़ा कम हो जाते हो। मैं कहा यार मैं तुम्हें क्या बताऊँ अंदर क्या चल रहा है। आपको याद है सिद्धू भाई जी, एक बार सलमान भाई आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं जब ऑडिशन देने जाता था फिल्मों के लिए तो मैं अपने कपड़े प्रेस करके रखता था, जूते पॉलिश करके रखता था, नहाने जाता था, पता चलता था अरबाज मेरे कपड़े पहन के निकल जाता था। ये सच्ची बात है भाई। फैक्ट है, वो भी मेरे साथ ऐसा करते थे, बट मैं ऑडिशन के लिए नहीं जाता था, मैं किसी और काम के लिए जाता था। और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, हमें बताया उन्होंने, पूरा बताया उन्होंने, पर ये नहीं बताया कि किससे मिलने जाते थे। वो डांस के स्टेप की बात कर रहे थे, जमीन पे गिरे-गिरे जब घूमिया में उन्होंने जो किया ना, वो जो एग रोल जिसे कहते हैं और फिर ऐसा लेट गया, वो मैंने न्यू ईयर ईव पे किया था 2 साल पहले, अब मेरे से नहीं होगा। उस दिन के बाद चाल बदल गई। सुहेल खान प्रोडक्शन में काम करके भी नवाज भाई की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। सीरियसली। अच्छा भाई आपने जिम विम नहीं करवाया, उनको करवाया क्यों नहीं शुरू? अरे सुबह जो हमारा वेकअप कॉल हुआ करता था वो 4 बजे हुआ करता था। अच्छा। 5 बजे ब्रेकफास्ट और 6 बजे सेट, 6:30 7 बजे पहला शॉट, और जब हम लोग ने एक प्लान की थी फिल्म तो वही प्लान की थी कि 60 दिन में कंप्लीट कर देंगे, लेकिन काम जल्दी शुरू हो जाता था, एक्टर्स एकदम क्लियर थे, प्रोफेशनल एक्टर्स है, तो एक्चुअली हम लोग ने 40 दिन में रैप अप कर दी फिल्म। क्या बात है। So was it comfortable on set? Very. A language is no barrier. We had love in our eyes at day one. We talk with eyes. Language is no barrier. अच्छा जितनी अच्छी इंग्लिश जो है नवाज भाई की है उतनी अच्छी हिंदी एमी की है। जब आपको पता चला आपको एमी के साथ रोमांस करना है तो आपने सीन की तैयारी की अंग्रेजी की ज्यादा? रोमांटिक सीन के लिए लफ्जों की जरूरत ही नहीं, तो आंखों में सिर्फ होंठों की जरूरत, होंठों की जरूरत। कौन कहता है मोहब्बत के जबा होती है, ये हकीकत तो आंखों में बयां होती है। क्या बात है। कैन यू एक्सप्लेन मी इन योर इंग्लिश? Not in your English. In my English. In Liverpool English. No, I can't afford your English. last time. I'll be your tutor. Last time जब Emmy आई थी, Emmy ने अपने कुछ typical Liverpool accent में कुछ बोला था. You remember? I remember. तो सिद्धू साहब उस समय guess नहीं कर पाए थे. हाँ. He couldn't guess what you said. मैं तो बहुत सुनता हूँ. Am I saying right? Yes. Okay. So he couldn't get what you said. I want to request you that please say once again. मैं देखना चाहता हूँ पाजी तैयारी करके आए कि नहीं आज. Say something in your accent, Liverpool accent, typical. Really? Yeah, please. I would love to listen to you. Kapil, I think you're so fit and I think you're absolutely fantastic and I really want to take you on a date. Now. Kapil. That was very quick. Kapil, tu bahut hi fantastic banda. Tere saath main date pe jana chahti hu. समझ तो ये नहीं आया था। थैंक यू मुझे बोल। यू जेलस गाय? एमी रजनी सर के साथ रोबोट 2 कर रही है, उसके लिए तालियां।
How was your experience working with Mr. Rajinikanth? Thank you. You're welcome. He is the country superstar. It's been brilliant. Wow, I love it. I think he might be my lucky charm, though. Radhika, she did also a film with Nawaz. Exactly. मेरे साथ ये हो रहा है कि जो जिस जो मेरी हीरोइन होती है जी वो नेक्स्ट जो है वो रजनीकांत के साथ काम करती है क्या बात है क्या I don't know क्या पर नहीं एक्चुअली नवाज भाई ऐसे भाई बंधु के तौर पे पूछ रहा हूँ पहले आप एमी को पहली बार मिले थे ना सेट पे सेट पे पहली बार मिले तो ऐसे ही एकदम अनजान लड़की आपसे कभी मिले ही नहीं तो सीधा ही ऐसे रोमांस करना कंफर्टेबल थे आप क्या होता है ना अक्सर जैसे जो हमारे यहाँ पे जो हमारे यहाँ की जो हीरोइन होती है उससे थोड़ा सा टाइम लगता है जी बाहर की हीरोइन के साथ थोड़ा सा जो है काफी आसान हो जाती है मतलब चीजें ये बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड और साफ जेन्युइन लोग हैं अच्छा लगता है बाजी तो खूबसूरत लोग बैठे हुए अच्छा लगता है यू आर जस्ट माइंड ब्लोइंग एंड पिंक सूट्स यू वेरी वेल मैं कहता हूँ बेटे मेरे को बहुत पसंद आया मुझे भी बहुत अच्छा लगा और बोलते ना कि झूठ कैमरा पे पकड़ा जाता है 3, 2, 1 म्यूजिक इन तालियां अच्छा रजीत आप इतने सारे लाइव शोज करते हैं इनकी आवाज इतनी प्यारी है लोग इतना प्यार करते हैं जो लड़कियां हैं इनको आज तक कभी देखा नहीं है क्योंकि बहुत कम नजर आते हैं तो वो भी उनको भी प्यार है क्योंकि आवाज सुनते हैं जब हम ऐसा कभी हुआ लाइव शोज में कोई लड़की ऐसे बेहोशी होगी अरे हरी जी नहीं ऐसा नहीं होता वो फिर मेरे पे आ जाएगा रिस्पॉन्सिबल हो जाऊंगा फिर अच्छा। मेरे शो में कोई बेहोश हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा तो ये आप बात बदल देते होंगे कि नहीं नहीं इसलिए नहीं बेहोश हुई कि मेरे को देख रही है इसको किसी ने पानी नहीं पिलाया अच्छा मुझे याद है हम लोग 2 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में थे वो किस्सा क्या हुआ अरे नहीं यार सुनाओ सुनाओ मैं सुना दूंगा नहीं तो अरे जीत ने होटल में चेक इन किया अरे प्लीज सुन तो कुछ कुछ में गलत थोड़ी यार हुआ क्या था मैं बोल देता हूँ ओ भगवान मुझे इसीलिए मैं नहीं आ रहा था तो क्या हुआ कि शो खत्म हो गया हम लोग का ये तो शो करने के बाद इनका फिर पता नहीं था कहीं थे आप अरे मैं होटल के नीचे क्या बात कर रहे हो मम्मी सामने बैठी हुई है बड़े मेरा पूरा बैंड मेंबर और हम लोग को भूख लग रहा था और पता नहीं कुछ कोई तो रीजन था कि खाना आ ही नहीं रहा था तो हम लोग खुद ही खाना शो हो गया था ना ऑर्गेनाइजर को कोई परवाह नहीं एक तो मुझे जो रूम मिला था वो रूम में हम लोग पहली बार चेक इन कर रहे थे क्योंकि शो के पहले टाइम नहीं था तो डायरेक्ट साउंड चेक पे गए शो किया उसके बाद रूम पे आए थे तो रूम में हम लोगों ने पूरा खाना वाना खा लिया और रात के कुछ 3-4 बज रहे थे जब हम लोग निकल रहे थे रूम से तब दिखा कि एक लड़की का सैंडल और एक कपड़ा और वो देख के मुझे समझ में आया कि ये मेरा रूम नहीं है और गलती से मैंने इनको बताया है बात बाद में मैंने पता किया वो लड़की थी गोरी तो कहती है मैं गोरी हूँ मेरे कमरे में ये पनीर सब्जियां कौन खा गया हम लोग भागे उस दिन मेरे को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई बेटा मैं तो सैंडल देख लेता मैं लेट जाता था वैसे मैं आपको क्या बताऊं मैंने आपको कहां कहां नहीं ढूंढा रही जीत तू जाके 3-4 लड़के ढूंढ शादी कर कहां इनको क्यों ढूंढ रही है अरे जी जब आपको लंदन की फ्लाइट लेनी होती है और भूटान की फ्लाइट की अनाउंसमेंट होती है तो भूटान की फ्लाइट के अनाउंसमेंट को आप इग्नोर करते हैं ना सेम तरीके से आप इस मनुष्य को भी वैसे ही इग्नोर कीजिए आपको हर गली मोहल्ले में ढूंढा लेकिन हो क्या रहा था कि हर जगह से आप ही की आवाज आ रही थी क्यों गाने तो हर जगह आपके बज रहे होते हैं अब मैं एकदम कंफ्यूज आ गई कि भाई ये आवाज आपकी आ रही है तो आप हैं कहां लेकिन यकीन मानिए हर गली मोहल्ले में जाकर मैंने आपका नाम पुकारा है झूठ बोल रही थी मोहल्ले में तू जाती थी गली में तो फंस जाती तू झूठ मत बोल डोंट टेल लाइज मुझे ना ऐसे लगा था आपको मिलने से पहले कि आप ना इतने सॉफ्ट गाने गाते हैं कि आप रुई के बने हो आपके अंदर मलाई होगी ऐसे डॉक्टर मुझे लगता है आपने देखी कभी मलाई
अरे बाप रे, मार ही डालो। नहीं नहीं, मैं मिलाई देखी नहीं, बट कहानी किस कहानी में तो सुना हुआ ना मिलाई के बारे में। मैं तो गाने का इतना माहिर हूँ, मैंने तो जो राहत फतेह अली खान साहब है उनको वो गाना गा रहे थे, मैंने चुप करा दिया। कैसे? ऐसे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।